हेलो एंड वेलकम। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोजेक्ट का बैकअप लेना सीखा था, ठीक है। एंड उसमें भी प्रोजेक्ट का बैकअप लेते टाइम पे सेव इंक्लूडेड प्रोजेक्ट्स वाला जो ऑप्शन था वो कैसे यूज करना है एंड उसका पर्पस क्या है वो हमने देखा था, ठीक है। अब इस वीडियो में हम साइटेक का थोड़ा और फंक्शनैलिटी देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि साइटेक में ग्राफिक पेज कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। उसमें आपको एक एलईडी कैसे पुट करना है पेज पे, एक बटन कैसे रखना है, ठीक है। एंड बटन के थ्रू आप उस एलईडी को कैसे ऑन कर सकते हैं, ठीक है, थीके? वो सारी चीज देखेंगे। उसके बाद सेटअप विजार्ड क्या है वो देखेंगे। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट्स को कंपाइल कैसे करना है एंड रन कैसे करना है वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब वो सारी चीज वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है। सो एड में जाके न्यू प्रोजेक्ट एंड इस प्रोजेक्ट का मैंने नेम दे दिया टेस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया जिसका नाम है टेस्ट एंड मैं उसे यहाँ पे एक्टिव कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इस प्रोजेक्ट को एक्टिव कर दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे साइटेक में पेज बनाना है, ठीक है, ग्राफिकल पेज बनाना है। सो आप कैसे बनाओगे? सो यहाँ पे हमारे पास जैसे ही आप साइटेक स्टूडियो ओपन करते हैं हमारे पास यहाँ पे साइटेक ग्राफिक्स बिल्डर भी उसके साथ ही ओपन होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस वाला सिंबल न्यू, ठीक है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे फाइव ऑप्शन मिलेगा। एक तो आपको नया पेज क्रिएट करना है तो आप यहाँ से नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको टेम्पलेट क्रिएट करना है तो आप यहाँ से टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको अपना खुद का सिंबल बनाना है तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं। आपको अगर जीनी क्रिएट करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड अगर आपको सुपर जीनी क्रिएट करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम फर्स्ट ये सीखेंगे कि यहाँ पे पेज कैसे बनाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पेज पे क्लिक किया एंड यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है एंड यहाँ पे आपका रिजोल्यूशन है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके स्टाइल है कि आपको किस स्टाइल का पेज चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका रिजोल्यूशन क्या है, ठीक है। उसके बाद डिजाइन फॉर शोइंग टाइटल बार, अगर आपको ऐसा पेज चूज करना है जो टाइटल बार के साथ आए, ठीक है, वो टाइटल बार के साथ कंपेटेबल हो तो फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब मेरा रिजोल्यूशन है 1920, ठीक है। अभी ये जो सारे पेजेस है उसमें से एक भी पेजेस टाइटल बार के लिए कंपेटेबल नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जो ये टिक मार्क किया है उसे निकाल देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे जो मेरा ब्लैंक पेज है मैं उसे कंसिडर करके यहाँ पे ओके पे प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पेज ऐड हो गया। अब यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं वो उसका बाउंड्री है, ठीक है, ये मेरे पेज का बाउंड्री है, ठीक है। यहाँ तक आप जितना डिजाइन करोगे उतना आपको जब आप स्काडा रन करोगे तो आपकी स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पहला बटन देख लिया जो कि न्यू का था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओपन का बटन है, अगर आपको कोई पेज ओपन करना है तो आप यहाँ से पेज ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब आप साइटेक में कोई भी नया पेज नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता है तो उसके साथ काफी जो डिफॉल्ट पेजेस है वो आपको इनबिल्ट मिलते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट अलार्म पेजेस अल्ट्रा HD 4K रिजोल्यूशन में, ठीक है। सो ये काफी सारे पेजेस आपको डिफॉल्ट मिलते हैं, अगर आप वो यूज करना चाहते हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। इवन अगर आपको टेम्पलेट ओपन करना है सो यहाँ पे आप टेम्पलेट भी ओपन कर सकते हैं, सिंबल जीनी एंड सुपर जीनी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने डिफॉल्ट अलाराम HD 1080 वाला पेज ओपन किया तो वो मेरा पेज कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है, ये मेरा कुछ इस तरह से वो पेज है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका बाउंड्री, जितना उसका बाउंड्री है वहां तक आपको ग्राफिकल जो कंपोनेंट है उसे ऐड करना है। अगर उसके बाहर आपने कोई कंपोनेंट ऐड किया तो वो आपका जो साइट स्काडा का रन टाइम होगा उसमें शो नहीं होगा, ठीक है। सो इस तरह का हमें एक पेज खुद का बनाना है तो वो कैसे करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। सो इस पेज को हम क्लोज कर देते हैं एंड हमारा जो ओरिजिनल पेज था अनटाइटल पेज उस पे हम आ जाते हैं, ठीक है। सो ये हमारा बाउंड्री है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव करके एक ऑप्शन है, अगर आपको अपना पेज सेव करना है तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इस पेज को सेव कर देते हैं, ठीक है। इस पेज का नेम रखते हैं Page 1, ठीक है, Page_1। एंड आपको किस प्रोजेक्ट में इसे सेव करना है तो टेस्ट वाले प्रोजेक्ट में। एंड आपको इसका प्रीव्यू इनेबल रखना है तो आप यहाँ पे टिक कीजिए, अदरवाइज इसे अनचेक रखिए, ठीक है।
सो अब पेज को सेव करने के लिए आपको यहाँ पे ओके पे प्रेस करना है, ठीक है। सो हमारा पेज यहाँ पे सेव हो गया एंड उसका नेम आ गया पेज _1, ठीक है। एंड उससे पहले हमारे प्रोजेक्ट का नेम जो भी है टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद है रन प्रोजेक्ट, ठीक है। जब आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, आप सारे ग्राफिक्स बना लेते हैं, तो उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है रन दी प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है साइटेक स्टूडियो। अगर आपको साइटेक स्टूडियो में जंप करना है तो आप इस बटन पे क्लिक कीजिए, आप साइटेक स्टूडियो में जंप कर जाओगे, ठीक है। उसके बाद वाला ऑप्शन अवेलेबल है साइकोड एडिटर, ठीक है। वो एक एडवांस ऑप्शन है, वो हम लेटर वीडियोस में देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली साइकोड एडिटर इज, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर सेटअप विजार्ड। सो इस वाले ऑप्शन को हम इसी वीडियो में एंड में देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें एक पेज क्रिएट करना है, उसके बाद हम जब इस प्रोजेक्ट को कंपाइल करेंगे उससे पहले हम कंप्यूटर सेटअप विजार्ड वाले ऑप्शन को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है कट कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन है अंडू के लिए, ठीक है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट। अगर आपने एक साथ तीन ऑब्जेक्ट सुपर इम्पोज किया है एंड आपको किसी एक ऑब्जेक्ट को फ्रंट में लाना है तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन। अगर किसी ऑब्जेक्ट को एट द एंड लास्ट में भेजना है ब्रिंग टू बैक, तो सेंड टू बैक वाला ऑप्शन। उसके बाद ब्रिंग टू फॉरवर्ड, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसे फॉरवर्ड मूव करना है वन बाय वन स्टेप वाइज, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन। एंड ब्रिंग टू बैकवर्ड, ठीक है। सो सेंड बैकवर्ड, अगर आपको उस ऑब्जेक्ट को वन बाय वन करके सेंड टू बैकवर्ड करना है तो ये वाला ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद पांच छह ऑब्जेक्ट का आपको एक ग्रुप क्रिएट करना है, सो यहाँ पे आपको ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा। एंड अगर उसी ग्रुप को आपको अनग्रुप करके वन बाय वन ऑब्जेक्ट को एडिट करना है, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन है अनग्रुप। एंड उसके बाद आपको हेल्प चाहिए किसी टॉपिक पे, तो यहाँ पे आपको हेल्प का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। सो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन साइटेक ग्राफिक्स बिल्डर का। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास टूल्स है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम इसमें इस वीडियो में एक सिंपल पेज बनाएंगे जिसमें हमारे पास एक एलईडी होगा, ठीक है। उसे हमें ऑन ऑफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है सिंबल सेट, ठीक है। मैंने इस सिंबल सेट पे क्लिक किया एंड यहाँ पे अगेन क्लिक किया, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा आ गया अपीयरेंस, ठीक है। अभी हम अपीयरेंस के टैब में है, ठीक है। एंड टाइप कौन सा है, ऑन या फिर ऑफ, ठीक है। अगर हमारा कोई लाइट है तो उसके थ्रू दो ही स्टेट हो सकते हैं, या फिर वो लाइट ऑन हो सकती है या फिर वो लाइट ऑफ हो सकती है, ठीक है। सो ऑफ का सिंबल क्या रहेगा, अगर मुझे यहाँ पे ऑफ का सिंबल रखना है, ठीक है। सो ऑफ का सिंबल मैंने रेड रखा एंड मुझे ऑन का सिंबल रखना है ग्रीन, ठीक है। सो जब भी मेरा वेरिएबल का वैल्यू 0 होगा, ठीक है, मेरा ये वाला इंडिकेट करेगा। एंड जब भी मेरे वेरिएबल का वैल्यू 1 होगा, मेरा ये वाला लाइट इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब वेरिएबल को कहाँ, वेरिएबल को असाइन कैसे करना है, ठीक है। ये ऑन कब होगा, ये ऑफ कब होगा, किसी एक चीज पे डिपेंड करता है, वो है वेरिएबल या फिर टैग भी बोल सकते हैं उसे, ठीक है। सो ऑन सिंबल व्हेन, ऑन आपको कब करना है सिंबल को, ठीक है। आपकी कौन सी वैल्यू है वो चेंज हो जाए तब आपको सिंबल को ऑन करना है, एंड कौन से वैल्यू की, कौन से वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 हो जाए तब आपके सिंबल को ऑफ करना है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा, ठीक है। सो हम अगेन साइटेक स्टूडियो में चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे मेनू पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हमारा सिस्टम मॉडल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक टैब है जिसका नाम है वेरिएबल, ठीक है, उस पर क्लिक करते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास लोकल एंड वेरिएबल करके दो ऑप्शन अवेलेबल है। सो सबसे पहले हम लोकल वाले ऑप्शन में चलते हैं, ठीक है। हम एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं जिसका नेम है वेरिएबल 1 एंड उसका डेटा टाइप है डिजिटल, ठीक है। डिजिटल यानी कि इस वेरिएबल 1 का सिर्फ दो ही वैल्यू पॉसिबल है, आइदर 0 आइदर 1, ठीक है। सो इसे अब हम सेव कर देते हैं, ठीक है। जब मेरे वेरिएबल 1 का वैल्यू 0 हो तब मेरा क्या होना चाहिए, रेड इंडिकेट होना चाहिए, एंड जब मेरे वेरिएबल 1 का वैल्यू 1 हो तब मेरा ग्रीन कलर शो होना चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इस वेरिएबल की कॉपी करता हूँ नेम को एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जब मेरे var_1 जो वेरिएबल है उसका वैल्यू 0 होगा तो मेरा ये वाला सिंबल शो करेगा, एंड जब उसका वैल्यू 1 होगा तो मेरा ग्रीन वाला सिंबल शो करेगा, ठीक है। सो अब इस अपीयरेंस को हम ओके पे प्रेस
प्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो अभी ये आपको रेड कलर में इंडिकेट होगा, लेकिन जब आप इसे रन टाइम में ले जाओगे तब आप इसका स्टेट चेंज करोगे तो यहाँ पे भी स्टेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका स्टेट आप चेंज करोगे कैसे? ठीक है, इसका स्टेट चेंज करने के लिए भी आपको कोई ट्रिगर देना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ से एक बटन चूज करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं टूल बॉक्स में हमारे पास एक बटन अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक बटन क्रिएट किया। ठीक है, सो ये बटन, उसके बाद इनपुट में गए हम। ठीक है, अब इस बटन का जो अपेरियंस है उसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट रखना है, सिंबल रखना है, या फिर कोई टारगेट रखना है, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। सो अभी मैं सिर्फ टेक्स्ट रखता हूँ। ठीक है, सो कस्टम फिल कलर आपको इस बटन में करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। एक्सपी स्टाइल में आपको बटन को रखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बटन का स्टाइल चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर मैंने अप्लाई किया देन अगेन मेरे बटन का स्टाइल चेंज। ठीक है, अब यहाँ से मैंने फिल कलर चूज किया देन अगेन मेरे बटन का स्टाइल चेंज। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने बटन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका जो फॉन्ट साइज है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब अंडरलाइन करना है तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड मुझे बटन की जगह कोई और नेम रखना है, प्रेस। ठीक है, सो वो नेम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद उसका स्टाइल चेंज करना है, मुझे जो यहाँ पे प्रेस लिखा है उसे बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दिया मैंने। उसके बाद उस फॉन्ट का साइज मुझे 14 रखना है सो 14 कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पे बटन। ठीक है, एंड देन अगेन अप्लाई। अब मुझे इसे स्ट्राइक आउट करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, सो इस तरह से आप यहाँ पे आपको जितना भी एडिट करना है इस बटन में वो आप यहाँ पे अपीयरेंस में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा मेन क्वेश्चन ये है, जब मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तब ये जो मेरा वेरिएबल है उसका वैल्यू 0 होगा तो 1 होना चाहिए, अगर 1 है तो 0 होना चाहिए। ठीक है, सो वो कैसे करना है? सो हमें जाना है यहाँ पे इनपुट में। ठीक है, उसके बाद कौन से एक्शन पे मेरा वैल्यू चेंज होना चाहिए या फिर कौन सा एक्शन होगा, यानी कि जब मैं बटन प्रेस करूंगा तब होगा, बटन को रिलीज करूंगा तब होगा, या फिर मैं बटन को रिपीटेटिवली 2 बार प्रेस करूंगा तब होगा। ठीक है, सो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे चूज करनी है। तो सबसे पहले हम अप में चलते हैं, उसके बाद अप कमांड। ठीक है, तो अप कमांड में मुझे क्या करना है, तो मुझे इस वेरिएबल 1 का जो वैल्यू है उसे टॉगल करना है। ठीक है, सो टॉगल मेरे वेरिएबल का नेम। ठीक है, सॉरी वी कैपिटल यहाँ पे। ठीक है, इट मीन्स जब मैं इस बटन को प्रेस करूंगा मेरे वेरिएबल 1 का जो वैल्यू है वो चेंज होगा। ठीक है, अगर मेरे वेरिएबल 1 का वैल्यू 0 है तो वो टॉगल के टाइम पे, इट मीन्स अगर मैंने जब इसे बटन को प्रेस किया तो उस टाइम पे मेरे वेरिएबल 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, एंड अगर वेरिएबल 1 का वैल्यू 1 है तो अगर मैंने बटन प्रेस किया तो उस वेरिएबल 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी कि वो टॉगल करेगा। 1 होगा तो 0 होगा, 0 होगा तो 1 करे तो 1 होगा, बिकॉज इसका सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी अवेलेबल है बिकॉज इट्स अ डिजिटल वेरिएबल। ठीक है, सो हमने यहाँ पे जो इंडिकेशन लिया है सिंबल का उसमें हमने क्या प्रॉपर्टी दिया है अपीयरेंस में, ऑन सिंबल व्हेन वेरिएबल 1 का वैल्यू क्या होगा 1, एंड ऑफ व्हेन वेरिएबल 1 का वैल्यू क्या होगा 0। ठीक है, सो ऑफ सिंबल मींस वेरिएबल 1 का वैल्यू 0 होगा तब हमें ये वाला इंडिकेशन शो करेगा, एंड वेरिएबल 1 का वैल्यू 1 होगा तब हमें ये वाला इंडिकेशन शो करेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने उस वेरिएबल का नेम यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, एंड बटन में हमने क्या किया, बटन में हमने पहले तो अपीयरेंस सेट किया। ठीक है, उसके बाद इनपुट में गए, जब भी हम इस बटन को प्रेस करेंगे मेरा जो वेरिएबल 1 है उसका वैल्यू टॉगल होगा। ठीक है, अगर 1 है तो 0 होगा, 0 है तो 1 होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा वैल्यू टॉगल करेगा। ठीक है, सो अब हम ओके पे प्रेस कर देते हैं एंड देन इन दोनों को अलाइन कर देते हैं। ठीक है, तो अलाइन करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करना है एंड देन सेंटर एंड देन ओके। ठीक है, ये दोनों चीज अलाइन हो गई, अब इसे सेव करना है। ठीक है, सो इस पेज को मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब हमें आना है हमारे साइटेक स्टूडियो में। ठीक है, उसके बाद हमें जाना है सेटअप विजार्ड में। ठीक है, सो सेटअप विजार्ड पे हमें क्लिक करना है। अब सेटअप विजार्ड एग्जैक्टली करेगा क्या? ठीक है, सेटअप विजार्ड तो सबसे पहले हमारा जो प्रोजेक्ट है उसे कंपाइल करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपाइलेशन सक्सेसफुल। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट कंपाइल हो गया। सो अभी हमारे पास यहाँ पे
साइटेक कंप्यूटर सेटअप विजार्ड में दो ऑप्शन अवेलेबल है, पहला है एक्सप्रेस सेटअप एंड दूसरा है कस्टम सेटअप, ठीक है। लेकिन ये कंप्यूटर सेटअप विजार्ड करेगा क्या, ठीक है। सो साइटेक कंप्यूटर सेटअप विजार्ड क्या करेगा, आपके कंप्यूटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके स्काडा को रन करेगा, ठीक है। सो अभी हम इनिशियली एक्सप्रेस सेटअप चूज करते हैं एंड देन नेक्स्ट पे प्रेस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सिलेक्ट द सोर्स ऑफ प्रोजेक्ट टू रन, ठीक है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट द प्रोजेक्ट टू रन, सो इसमें आपको कौन सा प्रोजेक्ट रन करना है उसे आपको चूज करना है, लेकिन यहाँ पे वही प्रोजेक्ट आपका लिस्ट आउट होंगे जो कम्प्लीटली कंपाइल्ड होंगे, ठीक है। सो हमारा जो टेस्ट प्रोजेक्ट है वो कंपाइल है, इसकी वजह से वो यहाँ पे आ रहा है लिस्ट में। उसके बाद आपको अपने इस प्रोजेक्ट को आपके लोकल इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट पे रन करना है, दैट्स व्हाई आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। लोकल इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट यानी कि अपने सिस्टम पे रन करना है, दैट्स व्हाई, ठीक है। सो मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट पर प्रेस किया, ठीक है। सो सिलेक्ट कंप्यूटर प्रोफाइल, सो कंप्यूटर प्रोफाइल आपको सिलेक्ट करना है कि आपको एक स्क्रीन चाहिए, दो स्क्रीन चाहिए, ठीक है। एंड अगर एक स्क्रीन है तो उसका रिजोल्यूशन क्या है, दो स्क्रीन है तो उसका रिजोल्यूशन क्या है, वो सारी चीज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। वो सारी चीज हम कस्टम सेटअप विजार्ड में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे कॉन्फ़िगर लोकल सेटिंग पे क्लिक रखना है एंड देन नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद आपको इस पेज को इनिशियली स्टार्ट करना है जब आप स्काडा को रन टाइम में ले जाओ, ठीक है। सो यहाँ पे हम मास्टर पेजेस ओनली को डिसलेक्ट करते हैं, उसके बाद स्टार्टअप पेज इन द सेंस जब आप स्काडा को रन करो तो सबसे पहला पेज कौन सा पॉपअप होना चाहिए, ठीक है। आपने स्काडा रन किया तो सबसे पहला पेज कौन सा आना चाहिए वो आपको यहाँ से चूज करना है। तो हमने एक पेज बनाया था जिसका नाम था पेज वन, ठीक है, हम उसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। जब भी मैं मेरे स्काडा को स्टार्ट करूँ तो मेरा ये वाला पेज सबसे पहले ओपन होना चाहिए, ठीक है। सो इसे मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे डिफॉल्ट सिलेक्शन आ गया सर्वर एंड कंट्रोल क्लाइंट, ठीक है। जब मेरे स्काडा का आईपी एड्रेस मेरे सिस्टम के आईपी एड्रेस से मैच होगा तो ऑलवेज यहाँ पे सर्वर एंड कंट्रोल क्लाइंट आएगा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल हम अपकमिंग वीडियोज में देखेंगे कि अगर आपको कंट्रोल क्लाइंट करना है तो फिर क्या करना है, व्यू ओनली क्लाइंट करना है तो फिर क्या करना है, ठीक है। अगर आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस एंड स्काडा का आईपी एड्रेस अगर दोनों डिफरेंट है तो फिर आप यहाँ पे दो ऑप्शन चूज कर सकते हैं, कंट्रोल क्लाइंट एंड व्यू ओनली क्लाइंट, तब आपको ये वाला सर्वर वाला ऑप्शन ग्रे मिलेगा, ठीक है। सो अभी हमारे पास सर्वर वाला ऑप्शन अवेलेबल है बिकॉज हमारा सिस्टम का आईपी एड्रेस एंड हमारे स्काडा का आईपी एड्रेस दोनों सेम है, ठीक है। वो चेंज कहाँ से करना है वो भी हम अपकमिंग वीडियोज में देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसे ही रहने देते हैं एंड देन नेक्स्ट पे प्रेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट द प्राइमरी नेटवर्किंग मॉडल फॉर दिस मशीन, ठीक। अब आप स्काडा को अगर रन कर रहे हैं तो आपका स्काडा स्टैंड अलोन है, यानी कि आपका स्काडा सिर्फ इसी मशीन के लिए है या फिर आपके स्काडा से कोई और मशीन भी डेटा ले रहा है, ठीक है। आप जो स्काडा रन कर रहे हैं वो आपका एक सर्वर बनेगा, ठीक है। उसके साथ आपके कोई क्लाइंट है, अगर क्लाइंट है तो फिर आपको नेटवर्क मोड में जाना है, अगर आपका स्काडा स्टैंड अलोन है तो फिर आपको स्टैंड अलोन मोड में जाना है, ठीक है। अगर आपका स्काडा एक सिस्टम में रन कर रहा है एंड आपका एक कंट्रोल क्लाइंट या फिर व्यू ओनली क्लाइंट किसी नेटवर्क में किसी और सिस्टम में आप देखना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे नेटवर्क मोड सिलेक्ट करना है, ठीक है, कनेक्ट टू अदर स्काडा कंप्यूटर वाला मोड, ठीक है। लेकिन अगर आपका सिर्फ स्टैंड अलोन स्काडा है, आपको किसी को डेटा देना नहीं है, सिर्फ आपको शो करना है एक सिंपल स्क्रीन पे एंड ओनली वन सिस्टम में, तो फिर आपको स्टैंड अलोन वाला जो मोड है वो चूज करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद अगर आपका कंट्रोल क्लाइंट आपने कहीं पे रखा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे नेटवर्क है, ठीक है, अगर आपने नेटवर्क चूज किया है तो जब आप किसी क्लाइंट से आपका जो स्काडा कहीं पे रनिंग है उसके साथ कम्युनिकेट करोगे तो फिर आपको पासवर्ड पूछेगा, तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डिफाइन करना है कि मेरा क्लाइंट कौन से पासवर्ड के थ्रू मेरे सर्वर से कनेक्ट हो पाएगा, ठीक है। सो ये वो पासवर्ड है, तो वो आपको यहाँ पे डिफाइन करके सेव रखना है। एंड अगर आप ये पासवर्ड भूल भी गए तो अगेन आपको कंप्यूटर सेटअप विजार्ड रन करके इस पासवर्ड को चेंज कर देना है, ठीक है। दैट्स इट, उसका कोई फॉरगेट वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आपको कंप्यूटर सेटअप विजार्ड वन मोर टाइम पे रन करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे प्रेस करना है एंड देन योर कंप्यूटर सेटअप इज कम्प्लीट एंड देन फिनिश पे प्रेस करना है, ठीक है। सो ये वाला सेटअप विजार्ड जो हमने रन किया वो था एक्सप्रेस सेटअप विजार्ड, ठीक है।
अपकमिंग वीडियोस में हम कस्टम सेटअप विजार्ड पे भी फोकस करेंगे। सो अब अगेन हम मेनू में चलते हैं, उसके बाद हमारे सॉरी उससे पहले हमें हमारे प्रोजेक्ट को पैक करना है, ठीक है। सो हमने हमारे प्रोजेक्ट को पैक कर लिया, उसके बाद हमें हमारे प्रोजेक्ट को कंपाइल करना है, ठीक है। नथिंग टू कंपाइल, डू यू स्टिल वांट टू कंपाइल एनीवे, सो यस पे प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको रन दी एक्टिव प्रोजेक्ट पे प्रेस करना है, ठीक है। जैसे ही आप रन दी एक्टिव प्रोजेक्ट पे प्रेस करोगे, आपका जो पेज आपने क्रिएट किया था वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो पेज क्रिएट किया था वो स्क्रीन पे अवेलेबल है, ठीक है। हमारा एक एलईडी लाइट था वो यहाँ पे अवेलेबल है, हमने जो बटन क्रिएट किया था वो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अभी जो मेरा वेरिएबल हमने क्रिएट किया था, ठीक है, हमने एक यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया था वार वन करके, ठीक है, उसका वैल्यू अभी जीरो है, दैट्स व्हाई यहाँ पे जो एलईडी है वो रेड कलर शो कर रहा है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे बटन प्रेस किया, ठीक है, तो वो ग्रीन कलर शो करेगा, बिकॉज मैंने बटन के अंदर प्रॉपर्टी रखा था कि उस वेरिएबल की वैल्यू को वो टॉगल करेगा, अगर जीरो है तो वन करेगा, वन है तो जीरो करेगा। अगर सेम मैं बटन को वापस प्रेस करता हूँ तो मेरे अभी वेरिएबल वन का वैल्यू जीरो है तो वो सॉरी वेरिएबल वन का वैल्यू वन है तो उसे वो जीरो कर देगा, तो मेरा ये इंडिकेशन ऑफ स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। सेम अगर अभी मेरा वेरिएबल का वैल्यू जीरो है तो मैंने इस बटन को प्रेस किया तो मेरे वेरिएबल का वैल्यू वन हो गया तो मेरा ये ग्रीन मोड में आ गया, ठीक है। सो इस तरह से आप लोकल वेरिएबल का यूज करके अपने स्काडा को डेवलप कर सकते हैं, एज वेल एज आप पीएलसी के वेरिएबल को भी यूज करके अपने स्काडा को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक डेमो था कि आपको पेज कैसे क्रिएट करना है एंड आपको लोकल वेरिएबल कैसे बनाना है, बटन कैसे बनाना है, सिर्फ एक सिंपल डेमो था, ठीक है। सो अब हम इसे क्लोज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे शट डाउन ऑल, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे जो पेज था, ठीक है, अब इस पेज को हम ओपन करते हैं, ठीक है। सो हमारा ये पेज था वो आपने रन टाइम में देखा, वो रन टाइम में किस तरह से दिखता है, एंड हमारा जो बटन था जिसमें हमने टॉगल का फंक्शन दिया था कि मेरा जो वेरिएबल वन है उसकी वैल्यू टॉगल होगी जब मैं इस बटन को प्रेस करूंगा, ठीक है। सो इस तरह से ये सारी चीज काम करती है, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने इस वीडियो में ये देखा कि सबसे पहले तो आपको प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करना है, ठीक है, उसके बाद ग्राफिक्स बिल्डर में जाके आपको नया पेज कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक ब्लैंक पेज क्रिएट करना सीखा एंड वो भी डिफरेंट डिफरेंट रिजोल्यूशन में, ठीक है। मैंने 1080 वाला रिजोल्यूशन यूज किया था एंड उसमें ब्लैंक पेज यूज किया था, ठीक है। उसके बाद आपको सिंबल कहाँ से लेना है, ठीक है, सिंबल आपको यहाँ से लेना है जहाँ पे आपको यहाँ पे आपका टूल बॉक्स है उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिंबल साइट, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंबल ले सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद पेज पे क्लिक किया, ठीक है। सो यहाँ पे आपका बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, इन सभी ऑप्शन के बारे में हम लेटर वीडियोस में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इस सिंबल को चेंज करना है तो यहाँ पे सेट पे क्लिक करना है, यहाँ पे बहुत सारे सिंबल अवेलेबल है, आपको जिस टाइप का सिंबल चाहिए, मोटर का सिंबल चाहिए, पाइप का सिंबल चाहिए, एजिटेटर का सिंबल चाहिए, कन्वेयर का सिंबल चाहिए, वो सारी चीज यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, कंप्रेसर का सिंबल, सेंट्रीफ्यूगल पंप का सिंबल, ठीक है, वो सारी चीज यहाँ पे अवेलेबल है, आपको जिस तरह से सिंबल चाहिए उस तरह से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ऑन ऑफ टाइप का सिंबल प्रॉपर्टीज हमने चूज किया था, यानी कि हमारा जो वेरिएबल है उसके सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज हो सकती है, आइदर वो ऑन हो सकता है वेरिएबल, आइदर वो ऑफ हो सकता है, इट मीन वो एक डिजिटल वेरिएबल है, ठीक है। अगर आपका मल्टी स्टेट वेरिएबल है, ठीक है, अगर आपके तीन वेरिएबल है उसके आपको कॉम्बिनेशन बनाना है तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर आपको एनिमेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। तो वो सारी चीज हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। एंड बटन में भी आपने देखा, अगर बटन में आपको अपीयरेंस देना है, डिफरेंट डिफरेंट अपीयरेंस, तो वो आप कैसे दे सकते हैं, ठीक है, आप इस तरह से अपने बटन का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद अपने बटन के फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, अपने फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस बटन को ऐसे सिंबल रखना है तो वो भी आप रख सकते हैं, ठीक है, एंड आपको टेक्स्ट रखना है तो वो भी आप यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से बटन को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, एंड बटन में आपको इनपुट देना है कि जब इस बटन को मैं प्रेस करूँगा तो क्या होगा, ठीक है।
ऑन पे रखा होता तो बटन को जब मैं रिलीज करता तब वो मेरी चीज एक्टिवेट होती। ठीक है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। ठीक है, सो अभी के लिए था इतना ही कि आपको बेसिक स्काडा कैसे क्रिएट करना है, आप सिंबल कैसे ले सकते हैं। एक यहाँ पे हमने एक सिस्टम मॉडल में एक लोकल वेरिएबल बनाया, तो लोकल वेरिएबल आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज हमने देखी यहाँ पे। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो में सारी चीज क्लियर है, एंड अगर आपको फिर भी कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ग्राफिक्स बिल्डर के ये सारे ऑप्शन देखेंगे, एंड ऑल्सो इसमें हम पर्टिकुलर ऑप्शन के बारे में भी बात करेंगे। अगर मल्टी स्टेट है तो फिर हमें कैसे रखना है, एरे है तो फिर हमें कैसे रखना है, एंड एनिमेटेड है तो फिर हमें फ्रेम कैसे चूज करनी है। ठीक है, एंड उसके बाद मूवमेंट, स्केलिंग, फेल, इनपुट, वो सारी चीज हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।